दोस्तों, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे बहुत ही अच्छा सवाल पूछा कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कैसे काम करता है। देखिए, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन को चलाने के लिए हाई वोल्टेज बिजली की जरूरत पड़ती है, जो वो रेलवे लाइन के ऊपर लगी वायर से लेता है, जिसमें 25,000 kg वोल्टेज करंट रहता है। लोकोमोटिव में एक पेंटोग्राफ लगा होता है, एक तरह से ये इंजन और तार के बीच में स्विच का काम करता है। जैसे ही इंजन को करंट मिलता है, वो अपने आप वोल्टेज सेट कर लेता है और सारे फंक्शन चालू हो जाते हैं। ऐसे और सवाल पूछने के लिए कमेंट करें और चैनल को